ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया कि सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। वहीं उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले जहां समाजवादी पार्टी के वोट हैं वहां पर एम्बुलेंस खड़ी कर देते हैं। साथ ही साथ बताया कि उनके पार्टी कार्यालय पर नोटिस भी चिपका दिया गया है। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि जब मैं पार्टी कार्यालय पर आ रहा था तो बड़ी संख्या में पुलिस के लोग आ रहे थे, मुझे लगा कि मेरी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं से निवेदन कि वो घर पर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से भी अपील करता हूं कि जब भी पार्टी कार्यालय आए तो जो प्रोटोकॉल है कोविड प्रोटोकॉल को पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। जहां हम लोग फॉलो कर रहे हैं वहीं हमें सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं एक बार फिर, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रोटोकॉल के बाहर भारतीय जनता पार्टी ये भी साजिश कर सकती है कि जहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा हों एम्बुलेंस खड़ी कर दें। नगांव सादात का जब चुनाव था मैंने बहुत करीब से देखा था कि जहां जहां समाजवादी पार्टी का वोट था वहां पर एम्बुलेंस और पुलिस को लगा दिया गया था। जैसे कोई बाहर निकलता था लाठी मारते थे, अपमानित करते थे या फिर दबाव बनाते थे कि वोट डालने न जाएं, और अगर डालने जाओगे आप तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए मैं सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेताओं से अपील करता हूं कि जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी हैं उन गाइडलाइंस का पालन करें, प्रोटोकॉल जो भी है कोविड प्रोटोकॉल को पूरा माने। आज हमारी पार्टी कार्यालय में नोटिस की दे दिया गया है, सुना है मेरे आने के बाद तुरंत उसको दीवार पे चिपका दिया गया। मैं जैसे ही पार्टी कार्यालय में घुसा हूं मैं देख रहा था रास्ते में बहुत बड़े पैमाने पे पुलिस चली आ रही थी। मुझे लगा कि शायद हमारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन जब मैं पार्टी कार्यालय के अंदर आ गया तो किसी ने मुझे खबर दी है कि आपके पार्टी कार्यालय पे नोटिस को चिपका दिया गया है। तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से नेताओं से कहूंगा कि घर रहें, अपने मोहल्ले में रहें, अपनी विधानसभा में रहें। हम लोग लगातार संपर्क कर करके जानकारी भी हासिल कर रहे हैं, परिस्थितियों के हिसाब से पूरी जानकारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी टिकट घोषित हो जाएंगी। आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, हो सकता है टिकट की सूची न आए वैसे ही ए और बी फॉर्म दे दी जाए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। अगर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रश्न लगेगा। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवभूमि से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की, अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है, उनको बहुत बहुत बधाई। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है इसलिए उन्हें घर भेज दिया है। आप किसी पार्टी के सदस्य न हो तब भी आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, किसी पार्टी के सदस्य हो तब भी आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री। और अभी तो जनता को भेजना था, जनता के भेजने से पहले ही भेज दिया इन्हें वापस। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं, मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहें काटें, अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के 24 घंटे में चंद्रशेखर आजाद का मोह भंग हो चुका है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश को दलित विरोधी बताया, कहा कि हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अखिलेश यादव सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते, अखिलेश ने दलितों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरी अखिलेश यादव से पिछले 6 महीनों से काफी बार मुलाकात हो चुकी है। इस बीच सकारात्मक बातें भी हुई, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दलित सिर्फ उन्हें वोट करें। भाई भाई ब्रेकिंग दे दीजिए, हम ब्रेकिंग दे लेते हैं। यूपी में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आपको बताते चले, पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15,975 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस 95,000 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं आपको बता दें, 24 घंटे में 5,031 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले भी सक्रिय हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन एक चुनौती था, लेकिन आज हर जिले में हमारे पास कोरोना जांच के अत्याधुनिक लैब मौजूद हैं और सरकार इन बढ़ते मामलों को लेकर काफी ज्यादा सतर्क है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।